हमरा सब एखन अररिया संग्राम में छी और एठन जे छै से मुरली भेदी झा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट के जे छै से आइ शुभारंभ भेलै है और संजय बाबू जे छै से एठन छथि। तो दरअसल हमरा लगे हाईवे पर लगभग 150 किलोमीटर के रेंज में कारण एठन से पूर्णिया तो हम गेबे केलहुँ हैं, ट्रॉमा सेंटर हमरा कतौ नहीं देखायल है, ताहिमे हमरा लगे एक टा ईमेल के पाथर सिद्ध हेतै। बिल्कुल हेतै, एहि दुआरे कि देखियो हमरा मुजफ्फरपुर से हम ध्यान करिए और पूर्णिया तक हमरा ध्यान में नहीं अबैया हाईवे पर कोनो ट्रॉमा सेंटर है। और जहन एक्सीडेंट होइ छै और हाईवे छै तऽ एक्सीडेंट होइते छै, कैटा भेलै हँ, तऽ ओहि समय में सबसे इम्पोर्टेंट होइ छै इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस ओकरा भेटना। ओ टाइम लूज करे के मतलब एब्सोल्युटली गोल्डन आवर होइ छै, ओहिमे ओ टाइम लूज कयलासँ ओकर जानो चलि जाइ छै और इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस भेट गेलै तऽ जान बचि जाइ छै। तऽ जान गेनाइ और बचनाइ के स्थिति रहै छै, नॉर्मल इलाज नहि छै। एकटा होइ छै नॉर्मल इलाज, डॉक्टरसँ आइ नहि करेलियै काल्हि करा लेलियै, एकटा होइ छै इमीडिएट मेडिकल रिलीफ भेटनाइ। ताहिके लेल ई ट्रॉमा सेंटर बनिकऽ तैयार छै। आइ हमसब ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन केलियै हँ, कोविड के टाइम ऑक्सीजन के की हाल भेलै से सब अनुभव के लिए। एतौ 55 बेड छै, 55 बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई हेतै। एतौ 73 डॉक्टर पैरामेडिक्स तकर कैबिनेट सैंक्शन कऽ देलकै हँ। एखन तऽ टेम्पररी डॉक्टर सँ काज चलि रहल छै, लेकिन एहि साल बहाली भऽ जेतै और सारा जे इंस्ट्रूमेंट छै एहिठाम ओ सबटा एहि साल ओतऽ लागि जेतै। तऽ एकटा मेन फंक्शनल जगह भऽ जेतै। एखन DM साहब सेहो छथि मधुबनी के, तऽ इहो बात भेलै हँ जखने ई मशीन और डॉक्टर आबि जेतै तऽ हमसब एहि पूरा बेल्ट में एतऽसँ लऽ कऽ दरभंगा मधुबनी तक एकटा नंबर सेहो पब्लिसाइज कऽ देबै हरेक बोर्ड में हाईवे के ऊपर। एक्सीडेंट के समय में ई नंबर पर कॉल करबै तऽ अहाँके इमीडिएटली एम्बुलेंस एक्सेस एम्बुलेंस चलि जायत लऽ कऽ अहाँके इनके एतऽ इलाज शुरू भऽ जेतै। तऽ एकटा बहुत बहुत बेसी पैघ एकटा इंफ्रास्ट्रक्चर माने इमरजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ई ट्रॉमा सेंटर बनकर तैयार। अपने कोविड के चर्चा केलहुँ और कोविड में सुनील बाबू सेहो छथि CMO सिविल सर्जन, तो जे एकटा रिपोर्ट हमर छल जकर काफ़ी प्रशंसा भेल रहे और DM साहब के सेहो जे छै से प्रत्यय अमृत साहब के दिस से काफ़ी एप्रिशिएशन भेटल रहनि ओहि रिपोर्ट के बाद। और पर्सनली अहाँ हमरा कहने रही जे बचि कऽ काज करबाक छै, कारण हमसब जे छै से असहाय भऽ गेल रही और ओहनमे जे छै से जिला के अपन 4-5 ऑक्सीजन प्लांट अगर भेट गेलै तऽ एहिठुनका जे ई ऑक्सीजन प्लांट छै से सिर्फ एकरेटा सप्लाई करतै या फिर जिला में अगर और कोनो कतौ कंजम्पशन छै या फिर रिक्वायरमेंट छै तकरा हमसब पूरा कऽ सकै छियै एहिठनसँ? ये ई बात एलै हँ एखन सिविल सर्जन साहब रखलखिन हँ, एतौ अवेलेबिलिटी बेसी छै तऽ एतौ तऽ कैटर करबे करतै, लेकिन ओहिमे कोनो एहन मशीन होइ छै जाहिसँ एकरा अहाँ लिफ्ट कऽ कऽ रिफिल कऽ कऽ दोसर जगह लऽ जा सकै छी। अहाँके ध्यान हैत पछिला बेर जहन भेल रहै सेकेंड वेवमे तऽ रामपट्टियोमे जे ऑक्सीजन अबै छलै ओ बेगूसरायसँ अबै छलै, इमेजिन करियौ अहाँ। एहिठाम कोनो व्यवस्थो नहि रहै पूरा जिलामे, आब तऽ 5 जगह भऽ गेलै एहिठाम। तऽ आब जे हमसब ओकर अरेंजमेंट करबै जे पूरा मधुबनी जिलाके ऑक्सीजनके जरूरत ई प्लांट पूरा कऽ सकै छै, एतेक पैघ प्लांट लगलै हँ एतौ, तऽ ओतौ ओ मशीन लगाकऽ जे जतौ जरूरत होइ ओतौ ई प्लांट कऽ ओतौ ऑक्सीजन पहुँच जाए, ई एकर रास्ता हमसब निकालि देबै। लेकिन हमरा खुशी एहि बातके अछि एतौ 2 एम्बुलेंसो छै, जे एतेक पैघ इन्फ्रास्ट्रक्चर एतौ क्रिएट भऽ गेलै हाईवे के ऊपर कि अभीवला कालमे कतौ एहिठाम एक्सीडेंट खास कऽ के एक्सीडेंट के इशू हेतै तऽ एतौ आबिकऽ अहाँके इमिडिएटली ट्रीटमेंट भेट जेतै और बहुत लोकके जान निश्चित रूपसँ ई ट्रॉमा सेंटर बचेतै। बगलमे झंझारपुरमे मेडिकल कॉलेज बनि रहल छै, तऽ टेक्निकालिटीमे अगर हमरा सब जेबै तऽ दुनूके जे दूरी छै, हालाँकि ई हाईवे पर छै, तऽ कहूँ एहन पेच तऽ नहि फँसि जेतै जे ओहिठाम अगर एकटा ट्रॉमा सेंटर भऽ जेतै तऽ फेर ई ट्रॉमा तऽ ऑलरेडी सैंक्शन भऽ गेलै हँ, तऽ बिल्डिंग भी तैयार छै। अब ओतऽ ओहिमे कैटेगरी अलग अलग होइ छै, लेवल 2 लेवल 3 के, तो लेवल 2 के हेतै तऽ लेवल 3 के हेतै। लेकिन झंझारपुरो मेडिकल कॉलेज जाय लए अहाँके हाईवे से उतरऽ पड़त आ उतरि कऽ अहाँके 4-5 किलोमीटर अंदर जाय पड़त। आ जे कोन चौक छी ओ रामनगर, ओ जे राम चौक, ओतऽ जे जेबै जे हालत रहै छै ट्रैफिक के, एखने तऽ हमसब डिस्कस केलियै गोल्डन पीरियड तऽ ओ तहियो बनतै, तऽ लेकिन एक्सेसिबिलिटीमे दिक्कत हेतै। ओहि मामलामे इएह ट्रॉमा सेंटर छै जे कतौसँ अबैमे अहाँ इमिडिएटली पहुँच जेबै। ताहि हिसाबसँ हमरा लगैए बेल्टमे सबसँ इम्पोर्टेंट खास कऽ के एक्सीडेंट केसके लेल इएह ट्रॉमा सेंटर ज्यादा कारगर हेतै।
रामपट्टी कोविड केयर सेंटर के बात कर रहल छी, हालांकि ओहिठाम जतेक अत्याधुनिक सुविधा छै ओ प्राय जे छै सबटा अहाँ सब बहाल कय देलियै। वेंटिलेटर तीनू गोटे छी, तीनू आदमी छी एहिठाम, अपने अपने पूरा जिला देख रहल छी, जिलाधिकारी और सिविल सर्जन महोदय, तऽ भविष्य के लेल जे छै एहन किछु होइ नहि, लेकिन अबै वाला समय में वेंटिलेटर से सेहो हमरा सब लेस देख सकै छी ओहि जगह के। हम पॉलिटिकल बात पर नहीं आबय चाहे छलौं, एतौ त हॉस्पिटल के जे हाल छले हँ, कमी एखनो हम 50 निकाल सकै छी के उच्छे, क्याकि जे जते थिकली पॉपुलेटेड स्टेट छै, एकटा मेडिकल कॉलेज नहीं छले एतौ 40 साल में, एकटा मेडिकल कॉलेज नहीं खुललै। आब अहाँके पूर्णिया मेडिकल कॉलेज, आब मधुबनी जिला में मेडिकल कॉलेज अछि, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज खुलि रहल छै, डॉक्टरे नहीं छले, हॉस्पिटल बनि गेलै आ डॉक्टरे नहीं छले। तऽ निश्चित रूपसँ जे कोनो इन्फ्रास्ट्रक्चरसँ रिलेटेड चीज छै जे कहलियै अहाँ, ओकरा इम्प्रूव करैके आओर सरकारके पूरा थ्रस्ट हेल्थ सेक्टर पर छै, ओ अबैवला टाइम अहाँके देखा पड़त। बहुत बहुत थैंक यू। तऽ ई छलै है संजय कुमार झा जे कहलनि हँ जे ई जे छै से एकटा नया शुरुआत भऽ रहल छै, खास कऽ जे छै से ट्रॉमा सेंटर पर जे छै से हाईवे पर अगर ट्रॉमा सेंटर लगभग 150 किलोमीटर में हम देखी तो कतौ नहि भेट रहल अछि, लेकिन ई जे छै से अबै वाला समय में जे एहन तरहक जे एक्सीडेंटल केस छै ताहिमे जे छै से वरदान सिद्ध हेतै। सहयोगी राजीव चौधरी संग ललित नारायण झा, मिथिला मीर, अररिया संग्राम, मधुबनी।